हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां तकलीफ में घिरे लोगों का खास ख्याल रखा जाता है, जहां उनको बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर माहौल भी दिया जाता है, जहां सिर्फ मरीज की देखभाल ही सर्वोपरि होती है। लेकिन मुंबई में एक हॉस्पिटल ऐसा भी है जहां मरीजों की सेहत से डॉक्टर को कुछ लेना देना नहीं है, और इस हॉस्पिटल का नाम है श्रीमती दिवाली बेन मोहनलाल मेहता माँ सर्वसाधारण रुग्णालय। यहाँ के डॉक्टरों के लिए मरीज नहीं बल्कि उनकी खुद की मस्ती पहले है। चेंबूर के इस नामी हॉस्पिटल में डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों को हॉस्पिटल की ओपीडी से बाहर निकाल दिया और ओपीडी बन गई डिस्कोथेक। आप भी देख लीजिए कैसे ओपीडी में डॉक्टर, नर्सें और बाकी स्टाफ मस्ती की महफिल जमा रहे हैं। यह अस्पताल सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर गरीबों की सेहत का ख्याल पहले रखा जाना चाहिए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है जैसे यहाँ मरीजों का नहीं बल्कि डॉक्टर अपना ख्याल रखते हैं। आम दिनों में इस ओपीडी में 800 मरीज देखे जाते हैं, लेकिन 2 मार्च यानी जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन यहाँ 100 से भी कम मरीजों को देखा गया। 2 मार्च को एक स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन ने ये सारा तमाशा किया और करीब 20 लोगों ने छोटे बच्चों के साथ ओपीडी में जमकर नाच गाना किया। यहाँ पे 2 फरवरी के दिन हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें ओपीडी के अंदर के जितने भी पेशेंट थे उनको बाहर निकाल के वहाँ पे डांस कंपटीशन, डांस का प्रोग्राम रखा गया था। मामला सामने आने के बाद बीएमसी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस घटना से इन डॉक्टरों और अस्पताल के बाकी कर्मचारियों की संवेदनहीनता भी सामने आ गई है। इस तरह की हरकत करने वाले और ऐसी हरकतों को बढ़ावा देने वाले डॉक्टरों को भगवान का दर्जा भला कौन देगा।